आमना सामना मीडिया के खास प्रोग्राम बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। जोर से बोल, हक से बोल, ना इंसाफी के खिलाफ बोल। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आमना सामने के इस खास प्रोग्राम में हम मुंबई शहर के जाने माने शख्सियात और एनजीओ के जिम्मेदारों को दावत देते हैं। इसी तरह आज हमने मुंबई शहर की एक जानी मानी सोशल वर्क शख्सियत, सामाजिक कारकुन, सियासी पार्टियों से भी वापस कर रहे हो, भारतीय सेना के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद हसन शेख साहब को हमने आमंत्रित किया है। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। मोहम्मद हसन शेख साहब, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया हसन साहब। पहला मेरा सवाल ये है कि हुसैनी सेना जो काम कर रही मुंबई शहर में, जो मैं चाहूंगा कि मुख्तसर उसमें जवाब दे कि आपने अब तक क्या खिदमत अंजाम दी है। जी देखिए, हुसैनी सेना एक छोटे से एनजीओ की तरह काम करना शुरुआत की थी, और अलहमदुल्ला आज पूरे बम्बई, थाने, पालघर और भिवंडी शहर जैसे इलाकों में, कई तालुकों में हमारी टीम बन गई है, और सब लोग अपनी तरफ से जितना भी ताउन हो सकता है करके काम कर रहे हैं। किसी से एक रुपया डोनेशन वगैरह नहीं लेते, ना किसी सियासी जमात से कनेक्ट है। तो किसी पार्टी से या किसी जिम्मेदार से आपने अब तक कोई डोनेशन या ताउन नहीं लिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी पार्टी से नहीं। किसी भी तंजीम को चलाने के लिए सरमाए की जरूरत होती है, पैसा लगता है ना कोई तंजीम को चलाने के लिए, और ये बिना सरमाए के, बिना डोनेशन के बहुत दूर तक नहीं जा सकते हम लोग। तो जिस तरह से लॉकडाउन में या कोरोना वायरस की वबा ने जिस तरह से घेर रखा है, तो ऐसा लगता है कि हमें और कम से कम है ना 6 महीने तक जो है हम इससे निकल नहीं पाएंगे। 6 महीना, साल भर भी हो सकता है, कुछ उसका वक्त मुतय्यन नहीं है। और जिस तरह से रोजी रोटी जो है लोगों की खत्म हो चुकी है, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, बहुत सारे लोग हैं क्या उनके पास राजा यानी घर में खर्च करने के लिए वो जरिया नहीं आमदनी का। तो हुसैनी सेना बिना ताउन के या बिना सपोर्ट के किस तरह से करेगी आगे? देखिए, हम लोगों ने जो अपनी तंजीम बनाई है, ये तहरीक की तरह काम कर रही है, मूवमेंट की तरह। हम लोगों ने ऐसे मुखलिस लोगों को जोड़ा ही है कि जो खुद इतने कैपेबल हो कि अगर किसी की मदद करना हो तो 10-20-50 हज़ार की अगर बात हो तो उनके हाथ बंधे ना हो, वो खुद अपने तरफ से या अपने 2-4 साथियों को लेकर के कर सकते हैं। हमारे हर तालुका के जिम्मेदार जो भी हम लोगों ने बनाया है, बांद्रा से हमने मेराज अली शाह को बनाया है, खार से हमारे रिजवान फारूकी साहब हैं, हमारे जो है तो मीरा रोड से मोहसिन है, फिर अपना जावेद भाई है पालघर से, थाना से हमारे शारिक भाई हैं, तबरेज भाई हैं, ये सब लोग जो है तो ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहे हैं, और इनको कुछ एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो साफ सुथरा हो, सियासी जमात से दूर हो, गरीबों की अच्छी तरह से इमदाद कर सके और सबके घरों तक जाके पहुंचा सके। तो ऐसे लोगों को हमने जोड़ा ही है कि जिन्हें किसी दूसरे से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम सब उन लोगों के भी हौसले को सलाम करते हैं जो लोग आपको ताउन कर रहे हैं या जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और अपना माली ताउन दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या अल्लाह ताला उनके जो है रोजगार में और बरकत दे। अगला सवाल मेरा ये है हसन साहब कि जिस तरह से आप सियासी पार्टी MIM से ताल्लुक का आपका था, और मोहम्मद हसन शेख से MIM पार्टी ने आपको जलाल बना दिया, हाँ ठीक है, लेकिन आप जलाल के नाम से बुलाए, जलाल बनने के बाद में उसी पार्टी को हलाल कर दिया, क्या वजह है? नहीं देखिए, ऐसे कोई पर्सनल तो कुछ खटास नहीं है पार्टी से, बस जो सोच को लेकर के हम लोग फाउंडर मेंबर मिलकर के MIM पार्टी को बम्बई में लाए और हमारे साथियों ने भी लाया, काम किया, तो 5 साल उसमें मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो भी उनके डायलॉग्स थे या जो भी उनकी कही हुई बातें थी कि उसके ऊपर MIM पार्टी बम्बई में उतनी खरी उतर पाई। बाकी जगहों का मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बम्बई में इतना मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा कि हमारे एक MLA होते थे, उनको MLA भी अब हमारे नहीं रहे, और 2 कॉरपोरेटर है हमारे, इतने मेहनत करने के बाद भी तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, या हो सकता है आपसी गुटबाजियां हुई हो, या हो सकता है काम को लेकर के, या कुछ ना कुछ कहीं है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा फ्यूचर इसमें ज्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं है, मैं सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। क्या लगता है आपके साथ में यानी MIM में नाइंसाफी हुई है? जो जहाँ जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ की जो असेंबली हल्का है, आपने वहाँ बहुत काम किया और आपको टिकट नहीं देके वो क्या नाम है इमरान, उनको टिकट दिया ना, इमरान नाम है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं टिकट के लिए कभी काम ही नहीं किया। 5 साल काम करने के बाद भी मैंने कभी कोई ओहदा या पोस्ट की बात नहीं की, ना किसी ने मुझे ऑफर किया। मैं सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर था और अपना काम करता था, सोशल मीडिया चलाना, ये सब मेरे अंदर थे। तो आप कह रहे ना, फिर नाराजगी की वजह क्या रही आपकी? जब आपने नाराजगी की वजह ये है कि देखिए, मेन कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं है, अगर आप किसी से बात करना चाहते तो वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देगा,
और अगर हम कुछ मेहनत करते भी तो एंड ऑफ डे होता है कि इलेक्शन के वक्त कुछ बाहरी या हैदराबाद के लोग आके वो अपने हिसाब से काम करते हैं, या आप किसी को लगा कर काम कर रहे हो तालुका में जिला में वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप अगर उसको टिकट ना दे के किसी और को टिकट दे दोगे तो हम लोगों को पता है कि वोट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। यही सारी चीजें हैं उसके ऊपर। लेकिन उस इलाके में नसीम खान साहब जो है इतना मजबूत है और मजबूत थे, तो एमआईएम पार्टी किस तरह से उनसे मुकाबला कर पाती है? आखिर में ये हुआ कि एमआईएम पार्टी ने, एमआईएम पार्टी का तो नसीम खान साहब से कोई मुकाबला था ही नहीं, क्योंकि वो बंदा 1,80,000-85,000 वोट लेने वाला 20 साल से खिदमत गुजार लोगों का, और इन्होंने तो गिनती के 10-12 लोग की टीम बनाई हुई है, तो मुकाबला कहीं था ही नहीं। तो क्यों खड़ा किया उनको वहां पर, सिर्फ नसीम खान को हराने के लिए? जलाल भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वहां पर कोई मुकाबला नहीं था, तो एमआईएम ने वहां पर वो उम्मीदवार क्यों उतारा? इमरान जो जो वहां पर टाइगर टाइगर के नाम से उन्होंने अपने आप को मशहूर किया, वो तो टाइगर तो बिल्ली निकला, चूहा निकला वो। और आखिर में ये हुआ कि नसीम खान को शिकस्त हो गई, और नसीम खान शिकस्त के बावजूद वहां पर लोग रोए हैं उनके लिए, उनके हार पर। तो नसीम खान तो हारने के बाद में भी जीत गए, लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने। और खान जो है इस महाराष्ट्र में एक मजबूत एमएलए से महरूम हो गया, ये हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान था। क्या एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी साहब जो इतनी सियासी बसीरत रखते हैं और इतना उनका उनकी सोच इतनी बड़ी है, उन्होंने इस तरह का काम कैसे किया? तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि हैदराबाद के लोग आते हैं, वो बनाला साहब कोई है वो है और उनकी कुछ टीम है जो यहाँ से है ना बात करती है, तो क्या वो टिकट पैसे भी बिक गई, या कहीं भारतीय जनता पार्टी और सियासी पार्टियों से कहीं तालमेल हो गया या कहीं लेन देन हो गया, आपको ऐसा लगता है? नहीं देखिए, पहले तो अभी आपके सवाल के अंदर 3-4 सवाल हैं, तो मैं एक से शुरुआत करता हूँ। पहले तो आपने इमरान कुरैशी के ताल्लुक से पूछा, तो इमरान कुरैशी अपने हिसाब से 3-4 साल से अच्छा काम किया, बट एक जो होता है ना ग्राउंड होमवर्क के, कितने हमारे कार्यकर्ता हैं, कितने परसेंटेज वोट हमारे यहाँ पर हैं जो हमको मिलेंगे, शायद उसके ऊपर से पूरा होमवर्क नहीं हुआ कि 1,03,000 के समथिंग मुस्लिम वोटर्स हैं हमारे, और यहाँ पे 49-50% से ज्यादा कभी वोटिंग होती नहीं, तो 40-50,000 वोट अगर मिलते हैं और वो भी नसीम भाई के खाते में जाते हैं, तो इनको पहले देखना चाहिए था कि क्या हम उस आदमी से लड़ रहे तो उतना वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं करे उन्होंने। और रह गई बात नसीम भाई की, तो वो 20 साल से काम कर ही रहे हैं और इंशाल्लाह भी कर रहे हैं, लॉकडाउन होने के बाद भी उन्होंने डे वन से लोगों को खाना वगैरह बांटना शुरुआत किया है दोनों टाइम का। हम लोग भी कभी कभार यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, देखो कहाँ है तो काम तो अच्छे काम में सभी खड़े होंगे, और राशन वगैरह भी उन्होंने कम से कम 10,000 का उन्होंने वादा किया था कि मैं 10,000 लोगों को राशन दूंगा, और लगभग जहां तक मेरा मानना है और मैं देखा हूँ तो उन्होंने 60,000 से ज्यादा लोगों को अब तक राशन बांट दिया है, और अभी भी बांट ही रहे हैं, जो जा रहे हैं सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ उनको दे रहे हैं वो। पर वो देखो अभी अलग सियासी जमात से, और मैं किसी जमात से हूँ नहीं, तो मैं नहीं समझता कि उनके साथ बोलना या उनके लिए बोलना मेरे लिए कुछ गलत। अगर मैं सियासी जमात का होता तो शायद उनके बारे में नहीं बोलता। बोल इंसाफ के साथ में बोल, जो इंसाफ की बात है वो होनी चाहिए, वो जो इंसाफ की बात होगी होगी, क्या इससे तो इसके बारे में ज्यादा मालूमात मुझे भी नहीं है, अब अंदर क्या खिचड़ी है वो तो अल्लाह बेहतर जाने। जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज हमें और मुंबई शहर को बहुत अफसोस है कि आज असेंबली में नसीम खान होते एक बुलंद आवाज थी मिल्लत की मुसलमानों की, हम उससे महरूम हो गए। ये एमआईएम पार्टी को भी और पार्टी को भी सोचना चाहिए और आगे अपना लायहमल जो है आगे, क्योंकि जिंदगी और वक्त खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी लड़ाई होगी वहाँ के इलाके के आगे और भी इलेक्शन, हमारा उम्मीदवार कैसा हो, हमारे रहनुमा कैसा हो, और जो लोग ऐसे उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं उनको भी अपने औकात का पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है, ठीक है, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम इलाकों में खासतौर से ये इल्जाम भी है कि हाँ लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया या अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रखी, अब जो है हुकूमत ने थोड़ी सी छूट दी है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को मैसेज मेरे तरफ से, हुसैनी सेना की तरफ से मैं यही मैसेज दूंगा कि मुसलमानों ने अच्छा अपना टाउन दिया। अब देखिए कोई 2-5-10% लोग ऐसे होते जो अनएजुकेटेड हो या ऐसे स्लम एरियाज में रहते हो जहां पर उनको वो मैसेजेस नहीं पहुंच पाते जो प्रॉपर मैसेजेस गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है या उनको मिलना चाहिए, एक आम इलाके के नेता नगर सेवक और सोशल वर्कर का है कि उनको जाकर के बताया। जैसे हमारी हुसैनी सेना तो घर घर जाके मास्क बांट रही है, हम लोग सैनिटाइजर दे रहे हैं, हमारे लोग खाना बांटने भी जा रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस करा रहे हैं, बता रहे हैं
कि भाई आप 1 मीटर से दूरी पे रहिए, एक ही इंसान घर से बाहर जाए राशन सब्जी फल लगने के लिए, और वो अपने कपड़े जूते चप्पल सब अलहदा रखे, उसको कोई छुए ना, और वो कुछ ज्यादा बच्चों वगैरह से दूर रहे। और ज्यादातर तो देखिए मुसलमान कौम जो है ना भाई, वो है समझदार कौम है, तो ऐसा नहीं है, बट ये है कि उसको मीडिया के द्वारा हमेशा नेगेटिव ही दिखाया गया। आप देखते होंगे आज टीवी चैनल्स में, आप कभी देख लीजिए कहीं पर भी आपको मुसलमान चैरिटी करता हुआ, हेल्प करता हुआ, आप एक मीडिया बताइए तो दिखा रहा हो, नहीं दिखाएगा। ये आप जैसे सोशल मीडिया है, मतलब अल्लाह दुआ करूंगा कि आप लोग और फॉलो, ये आपके चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप से जो फैल रहा है, आप देखिए 90% मुस्लिम रोजा रहने के बावजूद भी 90% मुस्लिम चैरिटी कर रहा है, 10% जो उतना नहीं है तो वो नहीं कर पा रहा है, बाकी हर कोई कर रहा है, रोजा रह के भी लोग पानी खाना सब बांट रहे। तो ये इल्जाम है मुसलमानों पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे, इसके लिए एक थोड़ा सा सुधार और किया जा सकता है कि जितने मस्जिद के उलमा है ट्रस्टी है उनको हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि एक लेटर बना के हम देंगे कि आप अब वक्त आ गया कि आप अपनी मस्जिदों से ऐलान कराओ, आप अपने जिम्मेदारों को बुला करके छोटी छोटी एक मीटिंग लो और उनको समझाओ कि भाई आप अपने घर से शुरू करें और अड़ोस पड़ोस में भी जाके बताएं ये बीमारी वाकई है, कोई मजाक खेल या कोई चीटिंग नहीं, ये बीमारी है। देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जितना एहतियात बरता जा सकता है उतना बरता। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब इमाम लोगों को आगे आकर के बात करना पड़ेगा इस बारे में। इसको लेकर तो हमारे उलमाए कराम या तंजीम के जिम्मेदार लगातार, जो बड़ी तंजीम के जिम्मेदारान हैं, हमारी तंजीम है, सभी अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि हर एक को ये बात पहुंच रही है, चाहे हमारे कौम के लोग हो या जिगर कौम के लोग हो या हिंदुस्तान का कोई भी, छोटे मोटे उपनगर है जहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे होंगे, बाकी जगह पहुंच रही है, तो बात पहुंच रही है। महाराष्ट्र सरकार और मोदी सरकार क्या इस कोरोना वायरस की तबाही से जो बर्बादी है या जो कोरोना वायरस आया है, क्या इससे निपटने में नाकाम है या कामयाब है, आपको क्या लगता है? देखिए सरकार तो इसी लग रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इनका लॉकडाउन बढ़ाना फिर खोलना फिर बढ़ाना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। जब पहले ही थोड़ा सा हुआ था तो उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के सब बंद करना चाहिए। अभी भी आप देखिए जो टाइमिंग दे रहे हैं मार्केट का, मार्केट खुलते ही लोग पैसे लगा दे रहे हैं, वहां पे जाके लाइन लगा रहे हैं। अब 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बस में चढ़ने के लिए लोग एकदम घुसे जा रहे हैं, तो ये सबको तो देख के लगता है कि लॉकडाउन अब आगे और बढ़ने वाला है। फिर भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपने हिसाब से जितना काम कर सकते हैं कर रहे हैं, अब वो भी उनको जितने भी साथ वाले लोग अगर अच्छी तरह से कॉपरेट करें तो और भी अच्छा काम हो सकता है। आगामी सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने और सीएम उद्धव ठाकरे जी ने ये अपनी भरपूर कोशिश की है बहुत संजीदगी के साथ में कि महाराष्ट्र में इससे निपटा जाए, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी सीएम साहब का एक बयान भी आया कि अगर जो झील दी गई है कोरोना वायरस की इस महामारी को लेकर, लॉकडाउन को लेकर दी गई है, अगर लोगों ने इस पर सख्ती से अमल नहीं किया है तो लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, इस पे क्या कहना है? तो बढ़ना चाहिए लॉकडाउन के झील देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए आप तो जहां तक है ना, अगर आप देखोगे माली हालात और कारोबारी की नजर से देखोगे तो अब नहीं लगता कि लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। जरूरत है तो अवेयरनेस बढ़ाने की, अलग अलग टीम बना करके इनके कॉर्पोरेटर्स हैं, इनके MLA हैं, ये लोग जब इतने सारे सोशल वर्कर हैं, हर इलाके में 5-5, 10-10 कमेटियां हैं, इन लोगों से मीटिंग करके इन लोगों को चाहिए कि भाई लोगों तक पहुंचाए कि आप एक हफ्ते के लिए तो कम से कम एक हफ्ते के लिए अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो। अब पुलिस बेचारी क्या करे, मारे तो मार मार के कितने लोग को मारे, पुलिस को देखते ही लोग भाग जाते हैं और जैसी पुलिस आती है फिर अंदर बाहर होना चालू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों को भी कोऑपरेट करने की जरूरत है अब। बिल्कुल, और पुलिस ने भी बहुत कुर्बानियां दी है, कम से कम 30-35 वाले जो है, बहुत सारे पुलिस वालों का भी मतलब बेचारे। हाँ हम जी 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 बहुत अफसोस है इस बात के लिए कि उस असल में कोरोना वायरस को लेकर जो वॉरियर हैं ये पुलिस वाले ही है, ये डॉक्टर हैं, और कुछ हमारे मीडिया कर्मी है, जो मीडिया कर्मी भी काफी पॉजिटिव हुए इस कोरोना वायरस को लेकर, लोगों को अपडेट करते रहे, लोगों को इसकी महामारी के खिलाफ जो है बताते रहे, और मीडिया ने भी काफी अहम रोल अदा किया, खासतौर से सोशल मीडिया ने। हम नेशनल मीडिया की बात नहीं करते, नेशनल मीडिया ने तो इस मुद्दों को बहुत अलग अलग ढंग से दुबाने की कोशिश, वो तो करेगा भी नहीं नेशनल मीडिया। जी हाँ, तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कोरोना वायरस के वॉरियर को लेकर जो बात कर रहा हूँ मैं, हुसैनी सेना ने काफी अवार्ड बांटे मुंबई शहर में जो इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आमना सामना मीडिया की जानिब से भी आपने हमें भी अवार्ड दिया, हमारी जर्नलिस्ट शाहीन पटेल को अवार्ड दिया आपने, हम पहले तो उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने बहुत जितनी हमारी ताकत है हम उतना काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि आपने
जो अवार्ड बांटे हैं, मुझे ये कड़वा सच कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं महसूस होगी। अवार्ड जो बांटे हैं, हम कहीं देखते हैं कि कोरोना वॉरियर तो दूर की बात, उन्होंने कहीं पर कोई हिस्सा भी नजर नहीं आया उनका इस पूरी लड़ाई के अंदर या रिलीफ के अंदर। कुछ लोगों ने अपने आप को नुमाइश करने के लिए चंद किड सामने रखी, फोटो खिंचवाया और डाल दिया कि हम बहुत किड बांट रहे हैं। काम नजर किधर आ रहे हैं? जैसे आपका काम नजर आ रहा है, आपकी टीम पूरा अलग अलग काम कर रही है, लेकिन आपने ऐसे लोगों को अवार्ड बांट दिया क्योंकि कहीं नजर नहीं आ रहे। आपने चले और कुर्मुरों की जी की आपने बहुत ही अच्छी बात की है, लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ। नहीं नहीं देखिए, ये मैं आपके सवाल का सीधा जवाब देता हूँ और हक वाली बात करूंगा। देखिए, मैं जहाँ तक लोगों को जानता हूँ, हम लोगों ने 225 करीब लोगों को दिए हैं, तो ये सिर्फ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट है, कोई अवार्ड वगैरह नहीं है। बस कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी हुसैनी सेना की तरफ से आपको दुआएं हैं, आप अपना काम कर रहे हो। अब किसी ने अगर चीटिंग से या अपने फ्रेंड का भेज दिया कि भाई मेरे इनका बना दो, मैंने जानता हूँ बहुत अच्छे सोशल वर्क से, तो हुए होंगे ऐसे 2-5-10 लोग ऐसे हो सकते हैं उसमें होंगे, इसके लिए मैं मना नहीं करता। बाकी तो लोगों के देखिए, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने दिया है, उन्होंने अच्छा काम किया, सोशल वर्कर है, उनको देख के और लोग भी जाग रहे हैं और कर रहे हैं सोशल वर्क। नहीं नहीं, अच्छी बात है, लोगों का मनोबल बढ़ना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जिन लोगों आपने अवार्ड दिया है, जो काम कर रहे हैं, वाकई इस अवार्ड के या इस सर्टिफिकेट के हकदार है, हम उनको भी 90% लोगों को तो मैं जानता ही हूँ उसमें से। लेकिन लेकिन ऐसे लोगों को जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये उन लोगों की हौसला सीखनी है जो लोग काम कर रहे हैं, कि जब काम करने के बाद में भी मिल रहा है और नहीं करने के बाद में भी अवार्ड मिल रहा है। और ये आपकी तंजीम नहीं, ये बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो उस अवार्ड नहीं, देखिए इसमें एक अपनी होती है, उसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू को ऐसा है। दो पांच लोगों की तो मैं गारंटी नहीं लूंगा कि वो लोग नहीं ले होंगे, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ कि ये लोग पहले से भी सोशल वर्क करते आ रहे थे। लॉकडाउन की वजह से किसी हालत में इनकी तंजीमों के पास थोड़ी तंगी होगी या ये खुद तंग होंगे, जिस वजह से नहीं कर पा रहे। लेकिन इन लोग हमारे किए हुए कामों को अपने सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर पे डाल रहे हैं कंटिन्यू, तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ सर्टिफिकेट कि चलो ये कुछ तो कर रहे हैं। नहीं इन्होंने अनाज बांटा, नहीं इन्होंने फ्रूट्स बांटे, ना इन्होंने सैनिटाइजर या किट बांटे, मगर जो लोग बांट रहे थे ये इनके साथ 24 घंटे खड़े रह के काम किए हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो भी हकदार थे, तो उन्हें देना चाहिए। नहीं, ऐसे तो सोशल मीडिया पे लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले और जो शेयर करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या सारे के सारे वो कोरोना वॉरियर हो गए? नहीं, ऐसे लोगों को नहीं देंगे। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो वाकई कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, उनके तो बीच मैदान में ऊपर के जमीनी सतह पे जो काम कर रहे हैं, पकड़ के लाएंगे, अब उनको पकड़ के लाएंगे जमीनी सतह पे, उससे काम कराएंगे। सुनिए मोहम्मद हसन सिंह साहब, जिन्होंने उतर के मैदान में काम किया है, अपने आप को खतरे में डाला है, वो कोरोना वॉरियर है। घर में बैठ के काम करने वाले कोरोना वॉरियर नहीं है। देखिए, ऐसे तो हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोगों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है, डॉक्टर्स को भी दिया है, ऐसा नहीं है। तो अभी डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, म्युनिसिपल उनको दिया, पीएमसी वाले लोग हैं जी। सिंह साहब, आपने उनको दिया, बहुत अच्छा किया, वो हकदार हैं। मैंने कहा कि घर में बैठ के काम करने वाले और जो मैदान में नहीं उठ रहे हैं, वो कोरोना वॉरियर नहीं है। देखिए, गलत करके अगर कोई किया तो अल्लाह देख रहा है, उसका खैर उसको मिलेगा ही। मरीजों को देख रहे हैं, जो बैठ के भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज उनके पास आ रहे हैं COVID-19 के, उनको देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, वो है जंगजू। वो नहीं है कि हमारी बैठ के है ना सिर्फ शेयर कर दिया या कमेंट कर दिया और फेसबुक बैठ के खाली फेसबुक और कमेंट की तो बात नहीं है, बट लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें देना चाहिए। बता रहे फेसबुक खेल रहे हैं, वो वॉरियर, वो जंगजू। ऐसे तो 40% लोग हैं मिनिमम फेसबुक पे जो फेक है, जो करते कुछ नहीं सिर्फ दूसरे की फोटो चलाते हैं, वो भी लोग हैं। ऐसे लोगों को हम लोग अवॉइड करते हैं, उनके मैसेज भी आएंगे तो अवॉइड कर देते हैं। चलिए, आखिरी आमना सामना मीडिया के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आमना सामना मीडिया के ताल्लुक से तो मैं कहता हूँ कि मैं आमना सामना मीडिया के आपके मतलब आप राशिद भाई के आपको खुद को भी जानता हूँ, 4-5 साल से जानता हूँ, और बहुत ही अच्छा काम है आपका। यहाँ तक कि कोई भी न्यूज अगर लोकल न्यूज है तो वो चलाने से बेहतर आप लोग जो ज्यादा जरूरी न्यूज होती चलाना, वो उसके ऊपर ज्यादा अहम काम करते हैं। तो मेरी ये दुआएं है हुसैनी सेना की तरफ से कि आपका चैनल और बढ़े और एक नेशनल चैनल बन के आगे मार्केट में उतरे, ऐसे हम लोग शुभकामनाएं। साइन पटेल, देखिए ये मैं इनको पिछले 5 साल से इनको भी मैं जानता हूँ, ये भी मतलब एक सोशल वर्कर की तरह आई, फिर MIM में थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने भी लगाया, बट इनका विजन कुछ और था, इन्हें कुछ करना था, बनना था। ये मतलब एक अच्छी कैमरामैन भी है और न्यूज रिपोर्टर भी है, और आज के टाइम पे इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है, देख रहा हूँ मैं काफी सोशल मीडिया। अल्लाह करे वो भी और आगे बढ़े। आमीन आमीन। आखिर में उसी सेना की जानिब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए सेना की जानिब से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा, अपील करना चाहिए कि लोग टाउन करें या कुछ इस तरह की अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, इस तरह से तो अभी फिलहाल ये वक्त नहीं है कि कुछ बोला जाए, पर ये कहूंगा कि मैं लोग आए हुसैनी सेना के साथ जुड़े, हमारे काम को देखें, हमारे काम करने के तरीकों को देखें, हम किन लोगों को जोड़ रहे हैं, हम लोग कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को नहीं जोड़ रहे, एजुकेटेड लोग, डॉक्टर लोग, हमारी तरह बिजनेसमैन लोग जो है वो इन लोगों को जोड़ रहे हैं जो अपने इलाके में वाकई चैरिटी कर रहे हैं और दिखावा नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं कि किसी को फोटो देते वक्त, सामान देते वक्त फोटो निकालो। हाँ, दो चार लोगों का फोटो आ गया होगा तो नहीं कहूंगा मैं, बाकी हम लोगों को एक मोनोपोली की एकदम आराम से काम किया जाए, लोगों की हेल्प हो, और चैरिटी वगैरह में हम लोग किसी से लेने में अभी बिलीव नहीं करते। हाँ, अगर कोई हमारे साथ जुड़ता है, हमारी तंजीम के साथ जुड़ के कुछ काम करना चाहता है तो बेशक वो कर सकते। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। चलते चलते आखिरी सवाल, आप अभी फिलहाल किसी सियासी पार्टी में नहीं है, तो आगे किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा है, और ज्वाइन करने के बाद में सेना के जरिए जो आपने काम किए हैं, क्या आप उस मंच से इसका फायदा उठाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने अभी तक कोई हमारे इसमें प्रोपेगेंडा में हमारा एजेंडा ऐसा कुछ है नहीं, ना हम लोग का कोई ऐसा विजन है कि फिलहाल पार्टी बनाएंगे या पार्टी बंद करके उभर के आएंगे या किसी को सपोर्ट करेंगे, वो तो वक्त बताएगा बेहतर क्या होने वाला है आगे, बाकी अल्लाह मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, सलाम।